अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सब कैसे हैं? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। ठीक है, होंडा स्विक आई हुई है, इसमें ये एयरबैग की लाइट आ रही है और ये हैंड ब्रेक की लाइट भी ब्लिंक कर रही है। अभी इसमें स्कैनर लगाते हैं और चेक करते हैं। ये लॉन्च का स्कैनर लगाया हुआ है, होंडा पे सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो पूरी देखें, इंशाल्लाह आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। ये हेल्थ रिपोर्ट इसकी करेंगे। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा। और ये गाड़ी भी स्टार्ट है और ये हेल्थ रिपोर्ट कर रहे हैं। ये एयरबैग की लाइट आ रही है। ये हेल्थ रिपोर्ट पूरी आ गई है, तो इसमें ये काफ़ी सारे एरर आए हुए हैं क्योंकि गाड़ी जो है ना, ये इसके कोई ब्रेक वगैरह का भी काम किया है मैकेनिक ने और काफ़ी सारी चीज़ें खोली, काफ़ी सारे एरर आए हुए थे। ये ड्राइवर साइड सीट बेल्ट का, स्विच का, माल फंक्शन का आ रहा है, रेयर ये राइट रेयर इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक का भी आ रहा है और काफ़ी सारे एरर आ रहे हैं। अब इसको क्लियर करेंगे। और ये गाड़ी की सीट भी खुली हुई है, ये किसी सीटें वगैरह खोली हुई हैं तो इसका भी ये है। ये देखें, ये तार टूटी हुई है और इसके करीब निकला हुआ है और मज़ीद इसको मुकम्मल हम रिफ्रेश करेंगे। ये इसकी सीटें वगैरह भी खोली हुई हैं और अब इसको मुकम्मल रिफ्रेश करते हैं, क्लियर करते हैं, फिर इसको दोबारा सर्चिंग पे चेक करेंगे, हेल्थ रिपोर्ट करेंगे, जो फॉल्ट आएगा फिर उसके ऊपर काम करेंगे। ये क्लियर DTC। ये देखिए, अब नॉर्मल हो गया, सारे फॉल्ट क्लियर हो गए और ये सिर्फ एक ही एरर आ रहा है इसका, सीट बेल्ट का। ठीक है, देखिए गाड़ी की सीटें भी मुकम्मल खोली हुई हैं। तो कस्टमर की यही कंप्लेंट थी कि ये लाइट वगैरह, अब गाड़ी स्टार्ट करते हैं दोबारा, फिर इसको कोड चेक करेंगे। इग्निशन ऑन करके अब गाड़ी स्टार्ट हो गई और फिर भी ये लाइटें नहीं जा रही हैं। अब दोबारा इसको कोड चेक करेंगे कि अब क्या फॉल्ट आ रहे हैं। ये अब दोबारा इसके हेल्थ रिपोर्ट ले रहे हैं पूरी।
अब ये देखें वही जो है ना आ रहा है ड्राइवर साइड सीट बेल्ट का, ठीक है। तो अब इससे ये कंफर्म हो गया कि और कोई फॉल्ट भी नहीं है, जैसे ब्रेकें ब्रेक वगैरह का भी आ रहे थे, रेयर ब्रेक का भी आ रहा था फॉल्ट, और कोई मसला नहीं है, बस ये इसी का मसला है। ये जब लगाएंगे इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। अब ये सीटें खुली हुई है और सीट बेल्ट वगैरह जो है ना ये उसके पास पड़ा हुआ है सीट वाले के पास ना। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।